वैसो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। अगर कुछ करने की ठान लो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आप लोगों के सामने घुटने टेक देगी, पर लेकिन ये बात उन्हीं लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होती है जो अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखकर किसी काम को अगर स्टार्ट करते हैं और उसको मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। ऐसा उनके अंदर अगर एक बार को भाव आ जाए तो वही लोग ये काम कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग दूसरों को देखकर अपना डिसीजन लेते हैं। ये बोलते हैं कि उस इंसान ने ये कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं, उस इंसान पर नहीं हुआ तो यार ये मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसी टेंडेंसी रखने वाली कैटेगरी में आते हैं आप लोग तो ये आप लोगों के लिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमेशा अपने आप को एक यूनिक पर्सन, एक यूनिक पर्सनैलिटी के तरीके से देखो। ये मत सोचो कि सामने वाले ने क्या किया और आप लोग क्या कर सकते हैं। नहीं, आप लोग ये देखो कि सामने वाले का कुछ नहीं देखना है, हम क्या कर सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटी को आप लोग को बिल्कुल ओपन रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ भी काम अगर पहली बार होता है तो फिर उसको लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक काम पहली बार किसी ने किया होगा, तो आप ही क्यों वो पहला पर्सन नहीं बन सकते। तो किसी को देख कर किया और ये उसने नहीं किया तो हमसे क्या होगा, ऐसा सोचकर अगर बैठेंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और नहीं यकीन आता तो आप लोग लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर देख सकते हैं। हमेशा से मैक्सिमम हम लोग दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं कि यार वो तो टॉपर था, उससे नहीं हुआ, हमसे क्या होगा। अरे बहुत सारे टॉपर ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं। आप लोग ये देखिए कि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो इस तरीके से अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देकर आगे बढ़िए, फिर देखिए कितना मजा आता है जिंदगी को जीने में। आगे बात करते हैं यहां पर आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यह है नागालैंड। वर्ल्ड की कंट्री जानने के बाद में हम लोगों ने स्टार्ट की है अपनी कंट्री के जो राज्य हैं इनके ऊपर आप लोग नजर डालिए। अच्छे से इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए एक एक राज्य के बारे में। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और आइए, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। कल शाम मैंने नैनो मैगजीन अपलोड करी थी। नैनो मैगजीन को अपलोड करने में लगभग मुझे लग गया था 1 घंटा 45 मिनट। यही प्रॉब्लम आई मॉर्निंग में जब मैं क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर रहा था। वो तो बल्कि छोटी सी थी, 15-20 मिनट की वीडियो है, उसको अपलोड करने में मुझे लगभग 1 घंटे से ज्यादा लग गया। अब ये वाली वीडियो सबसे बड़ी वीडियो होती है, मुझे नहीं पता है कितना टाइम लगेगा इसको अपलोड करने में। इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब की प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि जब से कल से ये शाम से प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, शाम से फेस कर रहा हूँ, इसलिए मॉर्निंग वाली वीडियो भी आप लोगों की आधे घंटे लेट आई। तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने एक्चुअली उसको पहले एक बना के रख लिया था, मैं अपलोड करने में उसको काफ़ी टाइम लग गया मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि हिंदू वाली भी वीडियो आपकी थोड़ी लेट पहुँचे आप लोगों तक, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कितना टाइम इसको अपलोड करने में लगने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वीडियो आप लोगों की होती है। तो देखते हैं कब तक पहुंचती है, आई होप कि टाइम तक आप लोगों के पास में ये पहुंच जाए। बाकी चलिए आइए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। काफी कुछ शानदार है डिस्कस करने के लिए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक या फिर टेलीग्राम से जाकर, दोनों लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर मराठा रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। अभी आप लोगों को पता है 16% का रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी मराठा कम्युनिटी में, पर लेकिन इसको कर दिया गया यहाँ पर 12% और 13% का रिजर्वेशन कर दिया गया। 12% यहाँ पर जो एजुकेशन मिली और 13% जॉब के लिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि आज के डेट में देखिए जो रिजर्वेशन को लेकर एक अलग ही तरीके का पैटर्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को एक थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिला, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। कर्नाटक में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है कांग्रेस की साइड से, कई सारों के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। अब स्पीकर के हाथ में है ये कि उनको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, देखेंगे क्या कंडीशन आगे बन सकती है। तो इसके ऊपर नजर डालेंगे, हल्का सा नजर डालेंगे स्पीकर के रोल के ऊपर, क्या क्या रोल आप लोगों को स्पीकर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यहां पर ये वाला आर्टिकल है, ये इंडियन पिनल कोड के एक सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, नजर डालेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि क्या क्या बातें चल रही है। काफी शानदार आर्टिकल है आज का, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या हर्डल है अफ्रीका के सामने और इंडिया कैसे मिलकर इसके साथ में काम कर सकता है। ये इसी आर्टिकल के ऊपर भी डिटेल में हम लोग नजर डालने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर यूएसए के बारे में बात कर रहा है, कैसी हरकतें यूएसए के द्वारा की जाती है। आज के डेट में दूसरी कंट्री की दवाइयों को तो वो नेगेटिव बताता है, गलत बताता है, बोलता है कि ये सही दवाइयां नहीं है, और अपनी कंट्री में जो गलत हरकतें होती है दवाइयों को लेकर, खासकर जेनरिक मेडिसिन को लेकर, उसके ऊपर वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। तो इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया का एंगल भी है, देखेंगे आर्टिकल को। इंडिया और यूएसए के रिलेशन को एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड के तरीके से देखना चाहिए और एक इस तरीके से देखना चाहिए कि और अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आ सकती है। तो देखें क्या क्या बातें की जा रही है और यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं स्पीकर के ऊपर। स्पीकर की काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है। आज के दिन में लोकसभा के जो स्पीकर हैं ये है ओम बिरला, जिनको रिसेंटली अभी यहां पर
स्पीकर की पोस्ट मिली है। तो स्पीकर जो है हमारी कंट्री में हाउस ऑफ द पीपल, जिसको आप लोग लोकसभा बोलते हैं, इसमें यहां पर स्पीकर बोला जाता है। अगर आप लोग राज्यसभा में जाते हैं तो वहां पर स्पीकर नहीं, इसको चेयरपर्सन बोला जाता है। बाकी जब हमारी कंट्री में नई लोकसभा चुनकर आती है तो जनरली जो फर्स्ट मीटिंग होती है वहां पर स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर हमारी कंट्री की जो 17वीं लोकसभा है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की साइड से ओम बिरला जी को यहां पर स्पीकर यहां पर अभी इलेक्ट किया गया है। अगर स्पीकर को हटाना होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग याद रखिएगा, यहां पर बेसिकली आप लोगों को 50% प्लस मेजोरिटी यहां पर होनी चाहिए अगर स्पीकर को आप लोगों को हाउस से हटाना है। और यहां पर आर्टिकल 94 और 96 ये यहां पर काम करेंगे स्पीकर को हटाने का। इसी के साथ में जब ज्वाइंट सेटिंग आती है आर्टिकल 108 के साथ में, ज्वाइंट सेटिंग बुलाता कौन है, बुलाता है प्रेसिडेंट। प्रिजाइड कौन करता है उस मीटिंग को, प्रिजाइड करता है यहां पर स्पीकर, यानी कि स्पीकर देखता है कि मीटिंग कैसे चलनी है। तो वो जो ज्वाइंट सेटिंग होती है वो भी यहां पर लोकसभा के स्पीकर ही यहां पर प्रिजाइड करते हैं, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा, कई मैटर्स में ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए यहां पर हम लोग कई बार कहते हैं कि जो राज्यसभा है वो सेकंड हाउस है या फिर सेकेंडरी हाउस है। तो कभी भी आप लोग एक एनालिसिस करने के लिए आ जाए तो हमेशा उसको सेकंड हाउस आप लोग बोलना है, सेकेंडरी हाउस नहीं बोलना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप लोग सेकेंडरी हाउस बोल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पॉलिटी में डिटेल में सारी बातें पढ़ाई थी। तो बेसिक फंडा यही है कि देखिए एक तरीके से ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास में खुद की पावर नहीं है, खुद की भी कई सारी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेट के मैटर पर अगर कोई लॉ बनाना है तो राज्यसभा वो डिसाइड करेगी। ऑल इंडिया रिलेटेड सर्विसेज के बारे में अगर आप लोगों को देखना है तो वो भी पावर राज्यसभा के हाथ में होती है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो भी पावर आप लोगों को राज्यसभा के हाथ में देखने को मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग इसको सेकेंडरी हाउस बोलेंगे, ये सेकेंड हाउस है, यानी कि इस तरीके से नहीं है कि आप लोग बोले कि हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ है वो काम कर रहा है, दूसरा हाथ है वो जरूरी नहीं है कि यूज में लेना है, वो ऐसा जरूरी नहीं कि परमानेंट है, उसका काम एक ही हाथ से हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा मैक्सिमम टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अपने अलग-अलग दो हाथ हैं, तो इसी तरीके से दो हाउस हैं यहां पर ये, तो सेकेंडरी नहीं बोलना है, सेकंड उसको बोलना है। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहां पर, ये बताई दिया मैंने, राज्यसभा में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी पुकारा जाता है या फिर अपर हाउस भी बोला जाता है, यहां पर चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कौन होते हैं, यहां पर आप लोगों को स्पीकर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, अगर पूछा जाए जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, यानी कि जो एक लिस्ट है जिसमें बात की जाती है कौन कौन किसकी पोस्ट कहां पर रखी गई है, सबसे ऊपर यहां पर आप लोगों को प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं इसमें। तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में रखा गया स्पीकर को छठे नंबर पर, तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं या फिर ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक लेक्चर बनाया था पॉलिटी में, जिसमें सारी ये चीजें बताई थी कौन कौन किस ऑर्डर में कहां पर आता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग गवर्नर के बारे में बताइए, गवर्नर कहां पे आता है इस लिस्ट में, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी बहाने से एक बार जाकर नजर डाल लीजिएगा लिस्ट के ऊपर, रिविजन आप लोगों का हो जाएगा, जिसने पढ़ रखी होगी, जिसने नहीं पढ़ रखी होगी तो रटने की जरूरत नहीं है, हल्का सा देखिएगा बस उसको आप लोग, ठीक है, फिर आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में यहां पर बात करते हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन और इकोनॉमी दोनों साथ साथ में चलती है जब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली चाइना के साथ में यूएसए के रिलेशन जो है वो काफी लो पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। इसकी कंडीशन क्या है, दोनों के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चाइना यूएसए के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है और यूएसए चाइना के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रहा है, तो दोनों की वजह से ये माना जाता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंपैक्टेड हो रही है। तो देखिए, अगर वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी इस तरीके की कंडीशन में है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ग्लोबल ग्रोथ में कमी आती हुई नजर आएगी ही आएगी। अब कुछ ऐसा ही फंडा यूएसए का इंडिया के साथ में आप लोगों को रवैया देखने को मिल रहा है। राइटर जो है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक वे लेकर चल रहे हैं, यानी कि आशावादी प्रवृत्ति के हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग काफी कुछ यहां पर कर सकते हैं दोनों मिलकर, अगर चाहें अगर हम लोग प्रोग्रेसिवली लेकर चले चीजों को, एलिमिनेट करें जो भी ट्रेड बैरियर है हमारे बीच में, इन्वेस्टमेंट बैरियर है, यानी कि जो टेंशन है उसको में रखें और प्रोडक्टिव वे में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग काफी कुछ यहां पर प्रोडक्टिव कर सकते हैं। यूएसए की अगर बात करो आज के डेट में, यूएसए इंडिया को एक स्ट्रेटजिक पार्टनर की तरीके से देखता है, पर लेकिन लास्ट दो महीने में इसने गुड गोबर कर दिया। यानी कि पहले तो बोल रहा है ये करेंगे इंडिया के साथ में, वो करेंगे, पहले अफगानिस्तान पॉलिसी के लिए भी कि इंडिया हमारा साथ देगा, हम लोग एशिया में काफी कुछ करेंगे, इंडिया हमारा फोकस पॉइंट होगा, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें फेंकी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, पर लेकिन पिछले दो महीनों में देखेंगे तो इसने सब कुछ खराब कर दिया। यहां पर जैसे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको आप लोग जीएसपी बोलते हैं, जीएसपी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेवलप्ड जो कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, वेस्टर्न कंट्री हो गया, यूरोपियन यूनियन वगैरह की कंट्री हो गई, ये क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया,
या दूसरी डेवलपिंग कंट्री हो गई, तो इनको अपनी कंट्री में प्रेफरेंस देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लाकर बेच रहे हैं यूएसए वगैरह जैसी कंट्री में, तो ये टैरिफ वगैरह उस पर काफी कम रखेंगे, टैक्स वगैरह काफी कम उस पर लगाया जाएगा, तो इसकी वजह से वो प्रोडक्ट काफी सस्ते रहेंगे और वो मार्केट में बेचे जा सकेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। पर लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में से बाहर निकाल लिया हमारी कंट्री को नीचा दिखाने के लिए, ताकि हमारी कंट्री इनके प्रेशर में आ जाए। इसी के साथ में कुछ दिनों पहले इनके द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर यहां पर भी एक टैरिफ लगाए गए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्री के ऊपर, इंडिया भी इसकी चपेट में आया था। अभी इंडिया ने क्या किया, रिटेलिएटरी मेजर लिए, यानी कि हमने भी यहां पर पीछे नहीं हटे, हमने भी अपना स्टेप उठाया और हमने भी इनके प्रोडक्ट के ऊपर सेम जितना इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे हमने भी लगा दिए। अगर हम भी इसी कंडीशन में चलते हैं कि यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, हम यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो फिर चाइना और इंडिया, वो चाइना और यूएसए वाली बात बिल्कुल इंडिया और यूएसए के बीच में भी आ सकती है। तो इसी के चलते बोला गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो डिस्प्यूट है, अगर आप लोग ऐसे लेकर चलेंगे तो रिलेशनशिप आप लोग ढंग से मेंटेन नहीं रख पाएंगे और इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है कि दोनों के बीच में पहले से ही कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं। सबसे पहले तो यहां पर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड द ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है, जिसको GAAT आप लोग बोलते थे, फिर इसको रिप्लेस किया गया 1995 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि GAAT के द्वारा रिप्लेस किया गया, GAAT को रिप्लेस किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो कब किया गया, तो यह किया गया 1995 में। तो जब यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, उसमें भी यहां पर दोनों के बीच में कई सारी प्रॉब्लम चलती रहती थी। पहले आप लोग देखेंगे तो जूट से लेके आलमंड तक काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो इंडिया और यूएसए आमने सामने खड़े रहते थे। अब भी काफी सारे आप लोगों को केस देखने को मिलते हैं, जैसे सोलर पैनल को लेकर ही आप लोग ले लीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर दवाई को लेकर भी यहाँ पर जब हमारी कंट्री में उसको कई बार रिन्यू करने से मना कर दिया जाता है, जब इनकी जेनरिक दवाई बनाने की बात आती है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए होता क्या है, यूएसए में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, पर लेकिन हमारी कंट्री में इतना ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है। बेसिकली जो पेटेंट दिया जाता है लगभग 20 सालों तक का पेटेंट दिया जाता है, यानी कि जिस कंपनी ने मेहनत कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर कोई दवाई बनाई है तो उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, यानी कि उसको कुछ अर्निंग भी करनी है, अर्निंग के चलते ही तो वो लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी के चलते तो अपना कुछ काम आगे बढ़ पाता है। अगर उनकी अर्निंग नहीं होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो नई मेडिसिन बनकर नहीं आएगी। तो इसीलिए एक तरीके से पेटेंट यहां पर कर दिया जाता है लगभग 20 सालों के लिए, पर लेकिन जब 20 साल भी कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंपनी क्या करती है, पेटेंट को रिन्यू करने की कोशिश करती है थोड़ा बहुत साल्ट चेंज करके, यानी कि जैसे थोड़ा बहुत कोई इसका कंपोनेंट चेंज कर दिया मेडिसिन का और बोलेंगे हम लोगों ने कोई नई मेडिसिन बना दी है और फिर से आप लोग इसको पेटेंट दे दो। तो ऐसा करने की कोशिश कंपनी के द्वारा कई बार की जाती है, पर लेकिन ये हमारी कंट्री में इस तरीके की एक्टिविटी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचे थे पीछे कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था इस तरीके से पेटेंट रिन्यू करने के लिए, तो उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम पास्ट में इंडिया और यूएसए के रिलेशन में देखने को मिली थी। तो ये यही बोल रहे थे कि हम तो दवाई बनाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, इंडिया वाले क्या करते हैं सोल्ट लेते हैं, बस उसकी जेनरिक दवाई बना देते हैं, सोल्ट को यूज करके दूसरे सोल्ट उसी तरीके के वही इंपैक्ट वो दवाइयां डालती हैं, तो इसकी वजह से इंडिया की मार्केट बढ़ रही है बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए और यूएसए इसकी वजह से काफी हद तक चिढ़ भी रहा था। तो इस तरीके से यहां पर जो लंबी प्रॉब्लम यहां पर चली हुई आ रही है, कोई आज का कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये और ज्यादा गहरा न हो तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग टिट फॉर टैट की कंडीशन में चलते रहे तो फिर इंडिया और यूएसए का सेम कंडीशन हो जाएगी जो चाइना और यूएसए का, यानी कि जैसे को तैसे वाली कंडीशन में हम लोगों को नहीं आना है। हम लोगों को एज ए यहां पर देखना है कि ऑप्टिमिस्टिक माइंड में रखकर, अपना माइंड ऑप्टिमिस्टिक वे में रखकर और सोल्यूशन निकालने के बारे में हम लोग को सोचना है। रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन के चक्कर में अगर पड़ गए तो ये इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस निकल जाएगा, 21st सेंचुरी में आप लोगों को झेलना मुश्किल पड़ जाएगा। बायलेटरल रिलेशन अच्छे रहते हैं तब भी ढंग से कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं चल पा रहे, कोई ना कोई अलग इशू आ जा रहा है, और अगर अलग से एक अलग वार अगर आप लोग छेड़कर रखेंगे तो कैसे सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो बोला गया कि डिफरेंस आप लोगों को रिजोल्व करने चाहिए, जैसे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यूएसए का टैरिफ है स्टील वगैरह पे, इसी के साथ में जो अलग अलग जैसे ई कॉमर्स कंट्री को लेकर, हम ई कॉमर्स कंपनी को लेकर हमारी कंट्री में क्या किया गया है, देखिए जैसे आप लोग देख लीजिए फ्लिपकार्ट है हमारी कंट्री में, अमेजन है, आप लोग क्या करते हैं यहां से कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो वो आप लोगों को काफी सस्ता मिल जाता है। अगर वही प्रोडक्ट आप लोग किसी शॉपकीपर से जाकर खरीदते हैं तो ये आप लोग को उसके कंपेयर में काफी डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कहां से निकाल के लेके आते हैं, ऐसा तो है नहीं हमारे रिश्तेदार डिस्काउंट दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से उस कंट्री की मार्केट को एक उस कंट्री की मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूसरी
इंजीनियरिंग की कई सारी और कंपनी रहती है, वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उस प्रॉफिट को यहाँ पर आकर इन्फ्यूज कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्काउंट दे पाते हैं और उसी डिस्काउंट की वजह से जो लोकल एरिया के जो रिटेलर हैं उनकी कमर टूट जाती है, लेकिन लोग वहां से सामान नहीं खरीदते और बोलते हैं ऑनलाइन तो यार इतना सस्ता मिल रहा है, आप लोग इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, इनमें लिमिटेशन लगा दी कि आप लोग इस हद से ज्यादा काम नहीं करेंगे ताकि जो लोकल एरिया के हमारी कंट्री में रिटेलर हैं उनको फायदा पहुंच सके। तो यूएसए को इससे भी चुल लग गई। इसी के साथ में और भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर यूएसए और इंडिया साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, यूएसए चाहता है हमारी कंट्री में डेयरी प्रोडक्ट लाए जाएं यूएसए के और काफी सस्ते बेचे जाएं, हमारे किसानों का क्या होगा अगर आपके किसानों के डेयरी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बेचे जाएंगे। तो ऐसे कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। डेटा लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया बोलता है कि हमारी कंट्री फेसबुक, व्हाट्सएप, जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप लोगों की सोशल मीडिया साइट है, इनका लोकल डेटा की एक कॉपी हमारे पास में होनी चाहिए क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सिचुएशन को हैंडल कर सके। पर लेकिन जो भी कंपनी है, देखिए डेटा को इकट्ठा रखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप भी अपने लैपटॉप का डेटा रखते हैं तो आप लोगों को भी हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सोचिए कितनी वीडियो अपलोड होती है, कितनी पिक्चर आप लोग अपलोड करते हैं फेसबुक वगैरह पे, क्या क्या आप लोग चैट करते रहते हैं, एक दूसरे को पिक्चरें भेजते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। तो इससे ये सारा जो डेटा होता है ये यूएसए में जाकर स्टोर होता है। तो यूएसए में जाकर स्टोर होता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक कॉपी हमारी कंट्री में भी इसकी होनी चाहिए। अगर कल को पता चले किसी ने व्हाट्सएप का यूज करके, फेसबुक का यूज करके कोई उल्टी सीधी हरकतें कर डाली, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर डाली, तो हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है यूएसए से जाकर, भैया डेटा दे दो हमको थोड़ा। तो वो डेटा वहां से न लेकर हमारी कंट्री में अगर खुद की कॉपी होगी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास में, तो हम लोग अपनी कंट्री में ऐसे क्रिमिनल केसेस की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है। तो कुछ बड़ा सोचने के लिए बोला गया है, थिंक बिग, यानी कि आप लोगों को अगर आप लोग इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएटरी मेजर लगाते रहेंगे, इसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमने इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो ये लंबा खिंच जाएगा और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को यहां पर ऑप्टिमिस्टिक माइंड रखना पड़ेगा, थोड़ा बिग सोचना पड़ेगा। इंडिया और यूएसए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो ट्रेड और आगे बढ़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी हर्डल है, बैरियर है, उनको दूर कर सकते हैं। दोनों मिलाकर टैरिफ वगैरह के बारे में बैठकर बात कर सकते हैं और इसको इतने अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं कि आगे चलकर दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए। तो ये एक अल्टीमेटम इंटीग्रेशन इकोनॉमी का देखने को मिलता है जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। तो उस लेवल पर आप लोगों को ले जाना चाहिए, ना कि चिंदी चोर बनना है, यानी कि छोटी छोटी चीजों पर दोनों लड़ रहे हैं बच्चों की तरीके से, तूने मेरी रबर छीन ली, मैं तेरी पेंसिल छीन लूंगा। तो ये कंडीशन से बाहर निकलकर एक बिग थिंक वाला प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आना चाहिए। बिल्कुल वही वाली बात जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बोली गई थी, अगर आप लोग कम अपना गोल जो है छोटा रखते हैं तो एक तरीके से आप लोग जो एक तरीके से ये जो इंसानियत आप लोगों को बॉडी मिली है सोचने का, एक तरीके से माइंड मिला है, इसके साथ में अन्याय कर रहे हैं आप लोग, अपने साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो हमेशा बड़ा सोचो, जितना बड़ा आप लोग सोच सकते हो उतना ज्यादा बड़ा सोचो। तो कहने का मतलब यह है हमेशा अपने टारगेट हाई रखो तो आप लोग की एफिशिएंसी भी ज्यादा हाई निकल कर आएगी। तो ये बेसिक बात है, यहां पर बड़े टारगेट रखो ताकि आप लोगों के रिलेशन और अच्छे लेवल पर बढ़े, तो लड़ना नहीं है बच्चों की तरीके से। नेक्स्ट ये फिर से यहां पर एक आर्टिकल है जो कि यहां पर जेनेरिक ड्रग के बारे में बात कर रहा है। जेनेरिक ड्रग मैंने अभी आप लोगों को बताई है, जेनेरिक ड्रग का बेसिक फंडा ये है कि जो पेटेंट वाली दवाई का जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उस टाइम पर उसी टाइप के जो कॉमन सॉल्ट यूज करके एक दवाई बना दी जाती है। अगर जेनेरिक दवाई यहां पर 100 रुपए की मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि जो ब्रांडेड दवाई होगी वो लगभग आप लोगों को 1000 या फिर 1500 रुपए की देखने को मिलेगी। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसी के चलते जो जनता है, खासकर नॉर्मल जनता जिसके पास में पैसा नहीं है ढंग से, वो यहां पर दवाइयां नहीं ले पाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो जान लोगों की बचानी है या फिर प्रॉफिट देना है किसी पर्टिकुलर लोग को, तो इसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो यहां प्रेफरेंस ये आता है कि पहले लोगों की जान बचानी है, बाकी बाद में देख लेंगे। इसी के चलते कई सारे पेटेंट कैंसिल भी किए जाते हैं, बीच में उनकी जेनेरिक दवाई बन जाती है, तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। मतलब पेटेंट कैंसिल नहीं किए जाते पर लेकिन जेनेरिक दवाई बनानी स्टार्ट कर दी जाती है, तो ऐसी भी सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो काफी परेशान रहता है कई बार इंडिया को लेकर, और इसके चलते हमारी कंट्री की जो मार्केट है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रही है जेनेरिक दवाई की। खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लार्ज स्केल पर हमारी ही दवाइयां जाती हैं, एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म हमारी कंट्री में बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। लोग बाहर से इलाज करवाने आते हैं क्योंकि सस्ता इलाज पड़ जाता है दवाइयों को ध्यान में रखते हुए भी। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर है। अभी यूएसए में जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री की जो दवाइयां हैं उनका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद में यहां पर फिर क्या करता है, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, और ऐसे ही इंडिया के साथ में भी करा गया। पास्ट में भी यहां पर हमारी कंट्री की जो रेनबैक्सी कंपनी थी लगभग 14 साल पहले आप लोग बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी, पर लेकिन आज तक उसके गुणगान गाए जाते हैं जब भी यहां पर इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो और तब से लेकर बहुत सारी फॉरन कंट्री, लोकल कंट्री ऐसे इस तरीके यहां पर चीजें कर चुकी हैं, ऐसी हरकतें यहां पर करती पाई गई हैं, पर लेकिन इंडिया को अब तक भी उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए होता क्या है, बेसिकली आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक दवाई
बना रहे हैं, ये कोई मेडिसिन बना रहे हैं यहाँ पर, ये मेडिसिन सर के दर्द की है। दूसरे एरिया में कोई एक मेडिसिन बना रहा है, वो भी सर के दर्द की मेडिसिन बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये तो है कंपनी इंडिया की और ये कंपनी है यूएसए की। अब यूएसए में कोई अलग डिपार्टमेंट है इनका जो कि यहां पर ये रिसर्च करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि कहां कहां पर दवाइयां अप टू द मार्क है, कहां कहां की दवाइयां सही है, और फिर उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। तो अपनी कंट्री में ये दवाई का क्या स्टैंडर्ड है उस पर ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो नहीं कहता कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो देखना है। तो ये डिपार्टमेंट पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो देखता है और उनकी दवाइयों में कोई ना कोई अगर कमी पाई जाती है तो उसके लिए रिपोर्ट जारी करता है और उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में जग जाहिर करता है। तो इससे क्या होगा, इस कंट्री की जो ये कंपनी की दवाई है लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो फिर जब मार्केट में कमी होगी तो लोग क्या करेंगे, ये दवाइयां खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में खेलता है यूएसए मैक्सिमम कंट्री के साथ में ये ऐसी ऐसी हरकतें करके, बोलता है कि वहां की जो दवाइयां हैं जैसे इंडिया की दवाइयों को कि ये जो है कॉन्टेमिनेटेड है, सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो जेनेरिक दवाई जो बनाई जा रही है वो सही नहीं है। तो इसीलिए यहां पर ये क्या करता है डिपार्टमेंट जो फूड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर जो फूड यहाँ पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये यूएसए का डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ये वर्ल्ड वाइड लगभग इसके द्वारा 2018 तक आप लोग देखेंगे 4676 यानी कि 4676 ह्यूमन फार्मास्यूटिकल जो साइट है यहाँ पर इनके द्वारा इंस्पेक्ट की गई यानी कि चेक किया गया, और 61% यहाँ पर ये फॉरन बेस में थी, अपनी कंट्री के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता है। बोला गया 1365 जो ड्रग यहाँ पर सर्विलेंस में पाई गई, यहाँ पर 55% जो फैसिलिटी है आउटसाइड यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि सारे जो भी काम किए जाते हैं कोई आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, कोई दवाइयों के बारे में जानना है, तो सारी चीजें बाहर की कंट्री को देखते हैं, बोलते हैं डिफेक्टिव है और कॉन्टेमिनेटेड है। इससे क्या होता है इनकी मार्केट बढ़ती है ऐसी ऐसी रिपोर्ट निकालने से, तो ये सही तरीका इनका नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ यहां पर इंडिया और चाइना ने करना स्टार्ट कर दिया तो फिर यूएसए का क्या होगा, इंडिया और चाइना अगर यहां पर जो इनकी जो दवाइयां हैं इनके द्वारा वेरीफाइड की दवाइयों को भी इंस्पेक्ट करने लगे तो फिर इनका क्या होगा। तो इसी तरीके से यहां पर बोला गया कि देखिए यूएसए को जो है यहां पर ये सोचना चाहिए कि यहां पर जो अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए जो ऐसी हरकतें वो करता है ये सही नहीं है, दूसरे की दवाइयों पर ज्यादा फोकस रखता है, अपनी दवाइयों पे फोकस नहीं रखता है, अपनी दवाइयों के ऊपर क्यों रिपोर्ट आप लोग यहां पर लेकर नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया और यूएसए को भी डिस्कशन यहां पर करना चाहिए कि देखिए जेनेरिक दवाई का जो हब माना जा रहा है इंडिया को उसकी वजह से भी यूएसए कहीं ना कहीं चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक मार्केट कैप्चर कर रहे हैं हम लोग और इनोवेटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मिर्ची लग रही है। इसी तरीके से आप लोग देखिए 5G टेक्नोलॉजी की जब बात की गई, हुआई कंपनी चाइना की काफी लक्ष्य लेवल पर आगे बढ़ रही है, तो यूएसए चाह रहा है कि इंडिया भी यहां पर इस कंट्री के साथ में एग्रीमेंट न करे, हम लोग अपनी कंट्री में 5G टेक्नोलॉजी इस कंपनी से लेकर न आए। इसी तरीके से और भी कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने S-400 सिस्टम रशिया से खरीदने की बात की जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो यूएसए ये बोल रहा है कि उससे मत खरीदो हमसे खरीदो। तो ये कहने का मतलब ये है ये एक इतना लालची इंसान है, ईरान के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और इंडिया को बोल रहा है ईरान से तेल मत खरीदो, इंडिया बोल रहा है कहां से खरीदे कि हमसे खरीद लो। तो ये है बेसिकली एक बोल सकते हैं कि आप लोग ये एक व्यापारी ओरिएंटेड माइंड का इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, और वो यही चाह रहे हैं कि हर एक कंट्री हमसे आगे सामान खरीदना स्टार्ट कर दे। इससे क्या होगा, इनका प्रोडक्ट बेचा जाएगा मार्केट में, इनकी ही प्रोडक्ट दिखेगा, मेड इन अमेरिका सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक फंडा यही है कि कैसे अपनी कंट्री की मार्केट को बढ़ाना है और दूसरी कंट्री की मार्केट और लोग जाए तलैंडी में, इनको उससे कोई मतलब रहता नहीं है बेसिकली, जो कि अभी कुछ दिनों से आप लोगों को इनका रवैया देखने को मिल रहा है। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर जाने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की बात की जा रही है और इसी के साथ में यहां पर जो हर्डल है और जो सॉल्यूशन है और इसी के साथ में इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बोला जा रहा है। आज के डेट में बोला जा रहा है कि क्या हर्डल है और क्या ऑप्टिमिज्म है अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर, जो गुड्स और सर्विसेज के लिए है और इंडिया के लिए यहां पर क्या बेनिफिट है, इंडिया को क्या फायदा इससे मिल सकता है, इसके बारे में शानदार आर्टिकल है। तो इसका आंसर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा लगभग 250 शब्द में और आप लोगों को बताइए कहां पर लिखना है जाकर, लिंक वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों के अंदर जोश रहता है, लगकर आप लोगों ने स्टार्टिंग में काफी सारे आंसर दिए गए, अब आप लोगों का जोश ठंडा होता रहता है, चलो कोई नहीं एक आध दिन तो छोड़ देते हैं। एक आध दिन छोड़ने से ना फिर एक आध दिन चलते चलते बहुत सारे एक आध दिन बन जाते हैं और वो सर पर पहाड़ बन जाता है। डेली जो काम करना है वो करना ही करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आंसर लिख रहे हैं। अब मान लीजिए उस ग्रुप में जैसे आज के टाइम 12,000 लोग हो चुके हैं, 12,000 में से अगर मान लीजिए 2,000 लोग लिख रहे हैं और 10,000 लोग नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं इन 2,000 को ही आगे बेनिफिट मिलने वाला है। फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने तो मेहनत की थी, मेहनत नहीं की वो आप लोगों को पता है सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, ये सामने वाले से पूछने की जरूरत नहीं है। बेस्ट इंसान आप लोगों उस क्वेश्चन का जो आंसर दे सकता है वो आप लोग है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, आप लोगों को सबको पता रहता है। तो इसलिए कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या मास्टर बन जाओगे, जी हाँ एक दिन नहीं पढ़ोगे तो आप लोग मास्टर नहीं बनोगे, आप लोग कहीं और पहुंच जाओगे, क्योंकि वो इंसान जो डेली पढ़ रहा है आप लोगों से काफी आगे निकल जाएगा। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस में कभी भी कोताही नहीं बरतनी है।
आर्टिकल के ऊपर नजर आ लेते हैं। ये यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर अपनी कंट्री के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं ये हो गया हमारा प्यारा भारत और ये हो गया यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक देखने को मिलती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आप लोगों को पास होती नजर आएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली आर्टिकल के बारे में। 12th जो यहाँ पर ये अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो देखने को मिली अफ्रीकन यूनियन की, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर बनाएगी ताकि मिलकर काम किया जा सके। तो इसमें ये 8 जुलाई को यहाँ पर देखने को मिली और ये जो थी यहाँ पर ये नाइजर, जो नाइजर रिपब्लिक में इसकी कैपिटल है नामिनी, तो यहाँ पर ये देखने को मिली। वे 54 मेंबर जो हैं उनके द्वारा साइन किया गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स और सर्विस को बूस्ट करने के लिए। गुड्स क्या है, जैसे आप लोग कोई सामान बेचते हैं, सर्विसेज क्या है, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, आप लोग कुछ दे नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर फिजिकली, पर पढ़ा रहा हूं तो सर्विस है आप लोगों के लिए। जैसे वकील क्या करता है, आप लोग केस लड़ता है तो फिजिकली आप लोग कुछ नहीं देता है वो, पर एक तरीके से आप लोग को सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो ये सर्विसेज होती है। सामान क्या होता है, मान लो मैं क्या करना स्टार्ट कर दूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ बेचना स्टार्ट कर दूं जो फिजिकली आप लोगों के हाथ में है, जैसे किताब बेचना स्टार्ट कर दूं यहाँ पर बैठ के, ठीक है, कुछ टी शर्ट वगैरह यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दूं, तो ये कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ सामान जो आप लोगों के फिजिकली हाथ में है वो गुड्स होता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस आप लोग रखिएगा, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में गुड्स और सर्विस क्या होता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जब बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर टोटल जो अब अगर आप लोग देखेंगे कंट्री में से 27 के द्वारा ऑलरेडी इसको रेटिफाई भी कर लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि पार्लियामेंट ने भी यहाँ पर इसको ये क्लियर हरी झंडी यहाँ पर दे दी गई है। एक्चुअल में अगर देखेंगे आप लोग, अगर बात करें यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फ्री ट्रेड के बारे में, जो 2020 से यहाँ पर ये स्टार्ट करने की बात करें, ये एलिमिनेट कर देगा जो भी कस्टम ड्यूटी है लगभग 90% तक, यानी कि एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट जाएगा लगभग 90% तक यहाँ पर ये कस्टम ड्यूटी उसकी खत्म कर देगा। और आने वाले टाइम में ये आप लोगों को बताए अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक इमर्जिंग कॉन्टिनेंट है, अब तक इफेक्टिवली यहाँ पर इसकी पावर को यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो अफ्रीका की जो कॉमन मार्केट है लगभग 1.2 बिलियन जो लोग हैं और जीडीपी लगभग 3.4% अगर आप लोग यहाँ पर देखने को मिले 3.4 बिलियन जो है यहाँ पर, ये इंडिया को भी काफी फायदा इसके पहुंचा सकते है। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर 55 कंट्री है जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर यहाँ पर ढंग से इंप्लीमेंट होता है तो, और ग्लोबल के ऊपर भी इसका काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि एक तरीका, अलग ही तरीका, एक नया एक ग्रुप आप लोग बना सकते हैं जो कि उभर कर आ रहा है। पर लेकिन कई सारे हर्डल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बोली गई यहाँ पर यह है, अगर देखें 1963 में अफ्रीकन यूनियन की बात की गई थी, कुछ यूनाइट करके हमको साथ मिलने का काम किया गया था, पर लेकिन बहुत सारे हर्डल, कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो डी कोलोनाइजेशन, इसका क्या मतलब था, अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जा रहा था उस टाइम पर यहाँ पर ये ऐसी कम्युनिटी बन चुकी थी, पर लेकिन 1995 तक काफी लंबे समय तक अफ्रीका को डी कोलोनाइज किया गया और यहाँ पर ये इसके द्वारा ज्यादा रोल प्ले नहीं किया गया है। अंडर डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रुप तो बन गया पर लेकिन डेवलपमेंट कैसे लेकर चलना है, प्लान कैसे क्या करना है, वो काम नहीं होता। इसकी वजह से इस्लामिक टेररिज्म काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ मिलता है क्योंकि लोगों को जॉब नहीं मिलती है, और जॉब नहीं मिलती है लोगों को तो फिर लोगों को बहकाया जा सकता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बड़ी ही आसानी से। अरब स्प्रिंग देखने को मिली, इसका क्या मतलब था, बहुत सारे राजा रजवाड़े हुआ करते थे जो कि एक तरीके से डिक्टेटर का रोल प्ले करते थे, पर लेकिन यहां पर जब अरब स्प्रिंग चली टूनिशिया के अंदर से यहां पर जब एक लोग ने आग लगा ली तो फिर यहां पर लोगों को यह लगने लगा कि यार अब तो हम लोगों को भी यहां पर डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे द्वारा चुना गया नुमाइंदा यहां पर होना चाहिए, ना कि यहां पर कंडीशन यह चलनी है कि सामने वाला सर पर बैठा है और अपने हिसाब से डांस कर रहा है सर पर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी फंडे यहां पर देखने को मिले। इसी के साथ में जो सेकंड बोला जा रहा है, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और लॉजिस्टिक जो चैलेंज है, ये कई सारे देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर बात करें नेशनल इकोनॉमी की अफ्रीका के अंदर, तो लो मैन्युफैक्चरिंग बेस है आज के दिन में भी, यहां से रॉ मेटेरियल निकाल के ले जाते हैं चाइना जैसी कंट्री, यूएसए जैसी कंट्री, फिर प्रोडक्ट बना के लेके आते हैं और वो यहां पर बेचते हैं, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर आगे आने वाले टाइम में अगर ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, अपनी खुद की जो इनकी कॉम्पिटेटिवनेस है उसके ऊपर फोकस दिया जाए जिसमें काफी कमी है, और म्यूचुअल यहां पर फोकस करके चले अपनी कंट्री में क्या क्या फोकस इनको करना है, अपने एरिया में क्या क्या चीजें बढ़ानी है, बाहरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए तो ज्यादा बेटर यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यहां पर, ये एक तरीके से विपरीत माना जा रहा है जो यूएस और चाइना की आप लोगों को बात करें। देखिए यूएसए और चाइना क्या कर रहे हैं, आज की डेट में एक तरीके से अपनी अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देने की बात करता है, हालांकि यूएसए ज्यादा कर रहा है, पर लेकिन अगर बात करें ब्रेग्जिट के अंदर तो ब्रेग्जिट भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है।
यूके जो है बाहर निकल रहा है अपनी कंट्री में फोकस देने के लिए। इसी तरीके से कई सारी और भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से जो ग्लोबल ट्रेड का लगभग 3% यहां पर बोला जा रहा है, जो यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट के द्वारा भी यहां पर ये आज के में डेटा तैयार किया गया कि यहां पर इस तरीके से कंडीशन निकल कर आ रही है कि अफ्रीका जो है वो इफेक्टिवली आगे नहीं बढ़ पा रहा है कई सारे इंटरनल चीजों की वजह से भी, यानी खुद की जो उनकी प्रवृत्ति है। कई सारी कंट्री आपस में लड़ती हुई नजर आएंगी। अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मिलती है आप लोगों, ये आप लोग एनालाइज कर सकते हैं अपने आप भी। अगर कोई एक कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर कोई एक इंसान जीतकर आ गया, आगे जब इलेक्शन होंगे वो सोचता ही नहीं गद्दी छोड़ने के लिए, या तो वहां पर इलेक्शन को पोस्टपोन करना स्टार्ट कर देता है या फिर उस पर गद्दी पे काबिज होकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसी हरकतें काफी लार्ज स्केल पर यहां पर अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि अफ्रीका को कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाती है जब यहां पर हम लोग एक बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है ऑप्टिमिज्म के बारे में, तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी यहां पर ऐसी बात नहीं है। अफ्रीका की इकोनॉमी की बात करें तो पहले कंपेयर में काफी ज्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है, जो कि यहां पर आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे 2018 में यहां पर इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड फेयर कायरो में यहां पर इजिप्ट में देखने को मिला। इसमें लगभग 1086 ये एग्जीबिटर यहां पर देखने को मिले, जिसमें 32 बिलियन का बिजनेस डील साइन किया गया। यानी कि अपॉर्चुनिटी की तो कोई काउंट ही नहीं है, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, पर लेकिन कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसको भी यहां पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। न्यू अफ्रीकन यहां पर ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, हर एक कंट्री आपस में ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन कर रही है। हालांकि लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क जो है वो अभी काफी पुअर है, पर लेकिन ये आगे आने वाले टाइम में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर रही यहां पर, यानी कि जो पॉलिटिशियन है अगर उनकी इच्छा रही तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है अच्छे लेवल पर। रिसेंट यूएन प्रोजेक्शन की अगर बात करें आप लोग, बोला जा रहा है आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की आप लोग बात करते हैं तो लगभग हाफ जो ग्रोथ होने वाला है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर होने वाला है 2050 तक, और हमारी कंट्री को बोला जा रहा है 2027 तक हम लोग चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं एज ए ग्लोबल पॉपुलेशन के तौर पर। तो देखिये जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वहां पर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कोई सप्लाई करने वाला चाहिएगा। अगर सप्लाई बाहर की कंट्री से हो रही है और ये डिमांड क्रिएट करते जा रहे हैं बस, तो इससे इनकी इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं होगा। पर लेकिन अगर अपने ही अंदर जैसे हमारी कंट्री मेक इन इंडिया के बारे में बात की जा रही है, ये खुद अपने ही किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अफ्रीका में खुद अपना ही कोई प्रोजेक्ट लगाकर अपनी ही कंट्री में सप्लाई करेंगे तो एक तरीके से कंज्यूमर बेस होगा और खुद ही उसको सप्लाई किया जाएगा, तो इसकी इकोनॉमी भी खुद बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो बातें यहां पर की जा सकती हैं। अब हमारी कंट्री के एंगल की बात करते हैं, इंडिया के लिए किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। इंडिया कई सारी अफ्रीकन कंट्री के लिए काफी अच्छे रिलेशन रखती है। अगर साउथ अफ्रीका की आप लोग बात करते हैं तो वहां पर काफी शानदार जो महात्मा गांधी जी के साथ में आप लोग हिस्ट्री भी वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है अफ्रीका का। लगभग अगर आप लोग देखेंगे इंडिया टोटल जो एनुअल मर्चेंडाइज ट्रेड है यहां पर ये 70 बिलियन का आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड का है यहां पर। इसी के साथ में इंडिया और अफ्रीका है यहां पर ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो बात की जाए इंडिया की जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो अगर देखा जाए काफी लास्ट तक स्थिर है, पर लेकिन अफ्रीका के लिए यहां पर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन को आगे लेकर चलना है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए अभी नाइजीरिया में बोला गया हमारी कंट्री का लगभग 33% यहां पर जो प्रीवियस के कंपेयर में अभी काफी अच्छा जंप हमारे एक्सपोर्ट में हुआ है। जो पहले से अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके बेस पर अगर आप लोग चलते हैं तो इंडिया और अफ्रीका जो है काफी अच्छे लेवल पर अगर दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ जाए काफी लार्ज स्केल पर एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। अफ्रीकन जो इकोनॉमी है वो मोर फॉर्मलाइज हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है पहले के कंपेयर में, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद है। अगर हमारी कंपनी कोई जाकर वहां पर काम करती है तो एक फॉर्मलाइज इकोनॉमी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी चाहिए, तो उसके ऊपर काम हो रहे हैं तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, हालांकि अगर यहां पर इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोकल मैन्युफैक्चरर बढ़ेंगे, इंडिया अगर यहां पर अपना प्रोडक्ट लेकर जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, पर लेकिन हम लोग उनके साथ में मिलकर काम यहां पर कर सकते हैं, ना कि उनके साथ में कंपटीशन में आए। यह भी तो किया जा सकता है उस फील्ड में जिसमें वो काम नहीं कर रहे उसमें हम लोग करना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी के साथ में जो फास्ट मूविंग यहां पर कंज्यूमर गुड जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आप लोग देखते हैं, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, फाइनेंशियल बैकबोन यहां पर बनाई जा सकती है, तो कई सारे एरिया में हम लोग के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी है, उसमें देखकर चलेंगे तो एक अच्छे सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। इंडिया ने डोनेट किया 15 बिलियन नाइजर को अभी रिसेंटली, तो ये आप लोग देखते हैं इस तरीके से हमारा फंड यहां पर जा रहा है और हम लोग इस तरीके से मिलकर काम करेंगे तो आप लोग कई सारे एरिया में अच्छे से रिलेशन बनाकर चल सकते हैं। अब जो आर्किटेक्चर है जो एक तरीके से जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ के बारे में कम करने की कोशिश की जाएगी, कॉम्पिटेटिव जो पॉलिसी है वो देखने को मिलेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर फोकस दिए जाएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं जहां पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि ताकि दोनों को म्यूचुअल फायदा होता हुआ नजर आए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है इंडिया और अफ्रीका के बारे में। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों ने कभी सुना है कभी पढ़ा है उसके बारे में वे भी पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा जो कि कोरिलेट आप लोगों को कर सके पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और हाँ, आप लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अगर बात करें कि हमारी कंट्री की जो कम्युनिटी है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है, उनको भी इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज करके कनेक्ट कर सकते हैं अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम लोग बात करते हैं तो। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आर्टिकल में LTTE के बारे में। तो ये जो है यहाँ पर यहाँ पर श्रीलंका में एक ग्रुप था जो कि श्रीलंका में एक अलग कंट्री बनाने की बात कर रहा था, नॉर्दर्न श्रीलंका को अलग करके, यानी कि पर्टिकुलर श्रीलंका का ये वाले पोर्शन में यहाँ पर ये तमिलियन कम्युनिटी के लोग थे जो कि अलग से अपनी कंट्री बनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहां पर टी प्लांटेशन के लिए इनको लेकर गया गया यहां पर। लेकिन जब यहां पर आजाद हो गए इंडिया और श्रीलंका, तो ये देखिए अगर कोई लोग कहीं पर 50-60 सालों से रह रहे तो वापसी नहीं आएंगे फिर, तो इसलिए वहीं पर ही रहने लगते हैं, फिर अपना घर गृहस्थी बसा लेते हैं वहीं पर। तो ये कंडीशन तब तो देखने को मिल गई, पर जैसे आजाद हुआ देश फिर प्रॉब्लम आनी हुई नजर आ गई। तो दोनों के बीच में काफी कंफ्लिक्ट चला लोकल जनता के बीच में और तमिलियन कम्युनिटी के बीच में, तो काफी लंबे समय से ये कंडीशन वहां पर चलती रही। तो ये LTTE का है। अभी रिसेंटली जो LTTE जो पॉलिटिशियन है जिनका नाम है वाइको, इनके ऊपर देशद्रोह का अभी चार्ज लगाया गया है, ठीक है। तो चेन्नई में बेसिकली यहां पर कई डिकेड पहले इनके द्वारा यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई थी, उस स्पीच को लेकर यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। जो सेक्शन 124 है इंडियन पिनल कोड का, उसके तहत यहां पर ये देशद्रोह के चार्ज लगाए जा रहे हैं, जिसके बेस पर 3 साल तक का यहां पर एक तरीके से जेल हो सकती है या फिर इंप्रिजनमेंट, और यहां इसके लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। 3 साल यहां पर 3 साल या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी यहां पर ये प्रावधान है। अगर बात करें देखिए पॉलिटिकल स्पीच के लिए अगर आप लोग इस तरीके से क्रिमिनलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉलिटिशियन किस हद तक गिर जाते हैं जब उनको वोट बैंक की बात आती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देशद्रोह के बारे में ऐसी आप लोग बात करते हैं वो भी राजनीतिक असंतोष के लिए, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसको तो आप लोगों को करप्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम का ला चला हुआ हमारी कंट्री में आ रहा है, तो इसको आप लोगों को खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरीके अगर ला हमारी कंट्री में रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट की जो डेमोक्रेसी है उसको कमजोर करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो स्क्रैप कर देना चाहिए इस तरीके जो भी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। सेक्शन 124 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो आज की डेट में, तो देखिए एक तरीके से आज के लिए ये है नहीं, बेसिकली आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री के लिए ये है नहीं। ला कमीशन के द्वारा भी यहां पर ये बात बोली गई, कंसल्ट पेपर यहां पर जो यहां पर कंसल्टेशन पेपर देखने को मिला, हाईलाइट किया गया आर्ग्यूमेंट इससे रिलेटेड कि रिकंसिडर करना चाहिए इसको, कैसे लेकर आप लोगों को चलना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये इस तरीके की चीजें जो है ये फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं और ये सारी चीजें यहां पर सही नहीं है। 1870 में अंग्रेजों के द्वारा ये बात बनाई गई थी ऐसा कोई ला होना चाहिए, और बेसिकली वो क्या करते थे हमारी कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर थे जो राइटर थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। आज की डेट में इंडिपेंडेंट कंट्री में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से हम लोग अंडरमाइन कर रहे हैं चीजों को, इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सही तरीका अगर आप लोग इसी तरीके से इसको लेकर चलते रहे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है तो कहने के लिए यहां पर डेमोक्रेसी रह जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को इनको हटाना चाहिए, खासकर ये ऐसी कोई कंडीशन है तो आप लोग उसको साइड में करना चाहिए, ऐसे लॉ को बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए, कोई सेक्शन ऐसा होना ही नहीं चाहिए, तो इस तरीके से फोकस देकर चलना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जो फाइनल से उसमें यही बोला गया है कि इस तरीके से अगर कोई गिल्टी इसके अंदर पाया जाता है तो देखिए सेक्शन जो है यहां पर ये और स्ट्रॉन्गर यहां पर होता हुआ आप लोगों नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर पार्लियामेंट का काम उसको ला बनाना चाहिए इसको हटाने के लिए, क्योंकि अगर यहां पर इसका अभी यूज किया जा रहा है आज की डेट में भी, अंग्रेजों ने कब इसको बनाया था और आज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए डेमोक्रेटिक बात आप लोग एक नहीं बोल सकते, हमारी ही जनता के ऊपर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन जो है आज के डेट में एक अलग फंडे पर बढ़ता हुआ यहां पर जा रहा है। मराठा कम्युनिटी के यहां पर रिजर्वेशन देने की बात की गई 16% में से जब ये हाई कोर्ट में पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बोला कि 12% एजुकेशन के लिए देना है और 13% आप लोगों को देना है यहां पर इंप्लॉयमेंट के लिए। तो ये जब बात निकल कर आई तो आप लोग देख सकते हैं जो रिजर्वेशन है, इंदिरा सानी केस था यहां पर, इंदिरा सानी केस में ये बोला गया कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन हम लोग कई सारे राज्य में ऑलरेडी ये लिमिटेशन क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में बोला गया, पर लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जिस तरीके से डिसाइड की जाती है वो क्वेश्चन मार्केबल चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि कंडीशन ये है कि एक तरीके से इसलिए नहीं कि वो जनता को उस पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी को रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए कि उसका वोट बैंक काफी अच्छा है और वो हमको वोट दे सकती है, इसलिए पर कई बार रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को यहां पर मिलते हैं। तो ये अलग तरीके की एक सोसाइटी क्रिएट कर रही है जैसा हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि हां हमको इस तरीके से इस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए जब से हम लोगों ने यहां पर रिजर्वेशन दे रखा है, रिजर्वेशन जिस पर्पज के लिए दे रखा है वो पर्पज कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ इतना नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से 10 साल के अंदर उसको फुलफिल करने की बात की जा रही थी। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि अगर इसे कुछ होता है जैसे क्या करते हैं किसानों का लोन माफ किया जाता है, अगर किसानों के लोन माफ करने से अगर फायदा होता तो इतने दिनों से लोन माफ कर रहे हैं अब तक फायदा क्यों नहीं हुआ, तो ये सारी सोचने वाली बात है, इनके ऊपर रीथिंक हम लोगों को करना चाहिए तभी जाकर आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, वरना ये सही डायरेक्शन में चीजें नहीं चल रही है।
तो इसी के बारे में ये कंप्लीट आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे बजट में डिसाइड किया गया कि लगभग 400 करोड़ रुपए तक का अगर किसी का टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, उनको यहाँ पर 25% के कॉरपोरेट टैक्स की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो देखिए, कॉरपोरेट टैक्स पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, 35-38 के करीब देखने को मिलता था, आज के डेट में घटकर हम लोग इसको 25 पर ला चुके हैं। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर फायदा काफी देखने को मिलता है बिजनेस करने में, जब हम लोग कॉरपोरेट टैक्स को यहाँ पर घटाते हैं। फिर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से, तो और ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखिए, चाइना और इंडिया में बराबर हो गया कॉरपोरेट टैक्स 25%, बाकी का सबसे ज्यादा जो कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है वह है यूएई में 55% कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है, जापान में 30%, यूएसए में 27%। ऑल ओवर वर्ल्ड का एवरेज अगर आप लोग देखेंगे तो 23.79% यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स देखने को मिल रहा है। तो एक टैक्स का रिफॉर्म है, अच्छी बात यहां पर बोली जा रही है, पर लेकिन जो टैक्स देने लायक है वो भी यहां पर टैक्स नहीं देते हैं इफेक्टिवली, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल के आती है। जो कंपनी है वो यहां पर अगर देखा जाए, कई सारी कंपनी यहां पर ढंग से टैक्स पे नहीं करती है, तो उसके बारे में यहां पर सोचने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ता है। जबकि यहां पर 99% जो कंपनी है वो अब यहां पर इसकी कैटेगरी में आ चुकी है कि इनको 25% देना है, ओनली लगभग 1% से भी कम कंपनी यहां पर अब जो ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी सबको यहां पर जिनका 400 करोड़ के करीब टर्नओवर है वो सारी इसके नीचे यहां पर आ जा रही हैं 99 की कैटेगरी में। और एक जो डेटा यहां पर दिया गया है, जो 10 करोड़ से लेकर यहां पर 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का जिसका एनुअल टर्नओवर रहता है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती हैं। फिर आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाओगे, टैक्स की जो पे करने की जो कैपेसिटी है वो काफी कम होती चली जाती है। तो ये पूरा डेटा है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के पोर्शन पे बात की जा रही है। सबसे पहला जो यहाँ पर न्यूज है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली यमुना एक्सप्रेसवे में यहाँ पर 29 लोगों की जान चली गई और 23 इंजर्ड हो गए, एक बस यहाँ पर गिर गई, 700 लोगों की जान जा चुकी है लगभग। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 5000 से ज्यादा जो यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं 2012 से लेकर, अगर आप लोग चेक करते हैं तो 2012, 13, 14, 15, 16, 18 तक की यहाँ पर बात की जा रही है, कितने लोगों की जान जा रही है, कौन सी मेजर इंजरी है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक्सीडेंट है, यमुना एक्सप्रेसवे की बात यहां पर की जा रही है। तो देखिए, एक तरीके से जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो कैसा डेवलपमेंट है इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अगर इस तरीके से कंडीशन चलती रहती है तो यहां पर लोगों की जो जान जा रही है तो क्या हम लोग रियली में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढंग से हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों की अगर जान जा रही है तो फिर कैसा ये ऐसा डेवलपमेंट हमारा? तो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, जो एक्सीडेंट आज के दिन में इतने लार्ज स्केल पर देख रहे हैं कैसे उसको टैकल करना है, जिनको रोका जा सकता है उसकी वजह से जो जान जा रही है। तो ये एक तरीके से आप लोग एक देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाए, तो केस स्टडी के तौर पर भी इसको लेकर चला जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर निकलती है, क्योंकि काफी बड़ी ये ग्रेव कंडीशन बन चुकी है। नेक्स्ट यहां पर अभी यहां पर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसमें बोला गया जम्मू और कश्मीर के बारे में, J&K के बारे में जो बात बोली गई, बोला इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, दोनों फेल हो गए हैं वहां पर शांति रखने में। और ये यूनाइटेड जो यहां पर यूनाइटेड हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इनके द्वारा यहां पर बोला गया ऐसी हरकतें यहां पर ये सही नहीं है, ये ह्यूमन राइट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, एक तरीके से यहां पर इंडिया और पाकिस्तान को पहले तो कंपेयर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहां पर एक तरीके से जो हमारी साइड से रिप्लाई किया गया, बोला गया कि यूएन की जो रिपोर्ट है ना ये टेररिस्ट को लेजिटिमाइज कर रही है, यानी कि जो एक्टिविटी यहां पर जम्मू और कश्मीर में हो रही है उसी को लेकर ये जो पाकिस्तान में जो पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में हो रही है दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है। यानी कि हमारी कंट्री में तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है किस तरीके सिचुएशन को हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में ले लीजिए, वहां पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि यहां पर सोसाइटी में वहां पर शांति में जो रहने वाले लोग हैं उनके और जो हमारी जो आर्मी है उनके बीच में झड़प करा देते हैं, तो वो भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो माइस्ट वाली एक्टिविटी है वो आप लोग देखते हैं, ये कुछ इंटरनल लोकल प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो इनके बारे में कई बार कमेंट किए जाते हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हमारी कंट्री की विजिट पर आने वाले हैं, जस्ट एक दिन पहले जब वहां पर उनका इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं उसके पहले ही हमारी कंट्री की विजिट करने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट है मिलाप, ये याद रखिएगा, ये मिलाप है दिल्ली पुलिस का, जिसके तहत यहां पर बच्चे जो खोए जाते हैं उनको ढूंढा जाता है। तो लास्ट 7 महीने में लगभग 300 बच्चों को ये खोज चुके हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखा कीजिए। देखिए, बड़ी ही जल्दी आज के दिन बच्चों को किडनैप किया जाता है, ये काफी कंडीशन खराब है। मिलाप प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट किया गया था, राजस्थान असेंबली के द्वारा एक स्टेप उठाया गया है, यहां पर लोकायुक्त जो है और अप लोकायुक्त जो है यहां पर उनको क्या काम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है उनका टेन्योर, लगभग 8 साल हुआ करता था घटा के
पांच साल किया जा रहा है राजस्थान असेंबली के द्वारा। तो ये भी यहां पर न्यूज में, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों ने देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वहां पर एक रेस होती है जिसको बुल रेस आप लोग बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर ये कंडीशन आप लोग देखते हैं, ये स्पेन में यहां पर ये बुल के द्वारा छलांग लगा दी गई, यहां पर जंप लगाया गया ये पानी के अंदर, ठीक है। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये एक वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म है कि हाँ ये इस तरीके का जो बुल रेस होती है वो कहां पर होती है, क्योंकि हमारी कंट्री में जल्लूकट्टी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट स्पेन के बारे में भी आप लोगों को दे दे उसमें, तो इस तरीके से आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से कितने लोग यहां पर तैयार हैं सेमीफाइनल देखने के लिए? ये दो मैच जरूर देख सकते हैं आप लोग, फाइनल और सेमीफाइनल। सारे मैच नहीं देखा करते, इतना टाइम कहां से निकाल के लेके आते हैं, पर लेकिन जब ये भी मैच देखें तो ये भी ऐसा नहीं है कि पूरा बैठ के देखना है, अपनी कंट्री की बैटिंग देखिए आराम से शानदार तरीके से, तो इतना तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर सोमेश्वर वाटरफॉल की बात की जा रही है जो कि नासिक में है। ये क्वेश्चन है, सोमेश्वर वाटरफॉल कहां पर है? नासिक में है, जो कि कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बारिश की वजह से शानदार तरीके से यहां पर इसका लुक देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा टूरिस्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मणिपुर के बारे में बात की जा रही थी। यहां पर मणिपुर यहां पर फॉर्मेशन किया गया था इसका 21 जनवरी 1972 में इसको बनाया गया था। इसकी कैपिटल जो है यह है इम्फाल। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। गवर्नर है यहां पर नजमा हब्तुल्ला। चीफ मिनिस्टर जो यहां पर है एन बीरन सिंह, जो कि बीजेपी के हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर आप लोगों को यूनिकैमरल देखने को मिलेगी, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है यहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है यहां पर यूनिकैमरल है। इसी के साथ में बात की जाए, यहां पर 60 सीट है यहां पर बेसिकली। राज्यसभा की एक सीट है, लोकसभा की दो सीट है, और मणिपुर हाईकोर्ट भी है। नेक्स्ट, अगर बात करें एरिया वाइज, इसका एरिया 24th पोजीशन है हमारी कंट्री में, अगर एरिया वाइज बात करते हैं। टोटल रैंक पॉपुलेशन में तो वो भी 24th है, तो ये काफी अच्छा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, दोनों 24 है। एचडीआई में जो इनकी रैंक है वो 15 है। नेक्स्ट, लिटरेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी 79, लगभग 80 बोल सकते हैं। और यहां पर ये मिटी, ठीक है, तो मणिपुरी जो आप लोग बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो मेटी ये आप लोग देखते हैं, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ये साइट विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें यहां पर मणिपुर के बारे में, तो ये देख सकते हैं आप लोग मणिपुर, यहां पर टच करता है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आसाम और यहां पर मिजोरम। तो दो हमारी कंट्री के तीन राज्य टच करते हैं, और म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री यहां पर टच करता है मणिपुर को, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहले बात की जा रही है लोकसभा के स्पीकर के बारे में, रैंक क्या होती है इसकी, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है यहां पर ये बताना है आप लोगों को। 12th जो अभी यहां पर अफ्रीकन यूनियन की समिट देखने को मिली, ये कहां पर मिली ये आप लोगों को बताना है। यूएन के द्वारा बोला गया कि लगभग कितनी पॉपुलेशन जो ग्रोथ होने वाला है वो अफ्रीका में होने वाला है सब सहारन रीजन में 2050 तक। नेक्स्ट, यहां पर आप लोगों को बताना है ऑपरेशन का नाम, जिसमें लगभग 300 बच्चों को 7 महीने में अभी यहां पर छुटाया गया है, और ये दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन, इसका प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है। कौन से राज्य के द्वारा लोकायुक्त और यहां पर जो अप लोकायुक्ताज हैं उनको, जो पहले 8 साल उनका टाइम पीरियड हुआ करता था, घटाकर 5 साल करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहां पर आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें बोला गया है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है फेल हो गए हैं यहां पर कश्मीर की सिचुएशन को टैकल करने में। बुल जंप की जो बात की जा रही है, ये जो फेस्टिवल है बुल रन फेस्टिवल, किस कंट्री में देखने को मिलता है। आइए अब नजर डालते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट बात की जाए, 34th जो यहां पर समिट थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन आसियान की, ये बैंकॉक में देखने को मिली जून के महीने में। नेक्स्ट, यहां पर इसका जो बेसिक फोकस था ये था एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, यूएसए के द्वारा फ्री एंड द ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई थी। संग्रीला डायलॉग में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भी बातें यहां पर रखी गई थी। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है सज्जन कुमार केस था 2018 का, जो कि रिलेटेड था इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड, यहां पर जो सिख दंगे फिर आगे चल के हुए थे, तो इसके बारे में याद रखते हैं 84 की बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है कि अगर कोई ऑफिशियल ढंग से काम नहीं करता है तो उसको ये जो रूल है सिविल सर्विस रूल 1972, इसके हिसाब से उसको रिटायरमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, पहले ही रिटायरमेंट दिया जा सकता है। कोई जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये उड़ीसा में देखने को मिलती है। तो ये था आज का डिस्कशन। अब पता नहीं किस टाइम तक आप लोगों तक ये पहुंचेगा, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।